दोस्तों, निराशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में एक बार कोई आ गया तो उसका उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अपने द्वारा तय समय सीमा में अगर सफलता हासिल नहीं होती तो कुछ समय बाद ही सारा उत्साह खत्म होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है उदासीनता, यानी खुद में मोटिवेशन की कमी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। बिना मोटिवेशन के अगर हम कोई काम कर भी लें तो उस काम में ना मजा आएगा और ना ही वे काम ढंग से होगा। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल कोट्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। चाहे कितने मुश्किल हालात हो, सफलता का दम चूमेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। दर्द, गम, डर जो भी है, बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब तक आप अपनी समस्याओं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं इन कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। एक नए दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो, उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपसे हारने का इंतजार कर रहे हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पर